हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मंदानी की वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं यह देखेंगे। मंदानी की जो वायरिंग होती है फ्रेंड्स, वो दो स्विच में होती है जो कि इसके बॉक्स के ऊपर लगा रहता है। एक होता है वन वे स्विच और एक होता है टू वे स्विच। दो स्विच के साथ इसकी वायरिंग होती है। हम इसमें अलग से दो स्विच लेंगे फ्रेंड्स, ताकि आपको ओपन वायरिंग करके दिखा सके, क्योंकि इसमें अगर कनेक्शन करेंगे तो ये डीप है, आपको कनेक्शन समझ में नहीं आएगी। उसके लिए हम दो स्विच लेंगे फ्रेंड्स, जिसमें से एक लेंगे टू वे स्विच। टू वे स्विच में तीन टर्मिनल होते हैं, जैसे कि ये, और एक वन वे स्विच। वन वे स्विच में दो टर्मिनल होते हैं, और ये है फ्रेंड्स मंदानी की मोटर। मंदानी की मोटर से चार वायर निकली है फ्रेंड्स, जिसमें से दो वायर इसकी कॉमन है, ब्लैक और रेड कलर की जो एक साथ ट्विस्ट की हुई है, ये कॉमन वायर है। और ये दो वायर है ब्लैक और रेड कलर की, ये है कैपेसिटर की वायर। और अब कर लेते हैं फ्रेंड्स वायरिंग, और ये है इसमें कैपेसिटर। फ्रेंड्स, वायरिंग के लिए फ्रेंड्स पहले हम लेंगे वन वे स्विच। वन वे स्विच के एक टर्मिनल पे हम ये कॉमन वायर को कनेक्ट करेंगे। दो वायर इकट्ठी जो कनेक्ट हुई है, इसको कोई भी एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर लेंगे। ये हमने वन वे स्विच के एक टर्मिनल पे कॉमन वायर को कनेक्ट कर लिया है, और ये दो वायर है फ्रेंड्स, ये कैपेसिटर की वायर है अलग अलग। और अब लेंगे हम टू वे स्विच। टू वे स्विच के तीन टर्मिनल है फ्रेंड्स। ऊपर वाले टर्मिनल पे हम ये ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे इधर, और टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे हम रेड कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे। मंदानी जो होती है फ्रेंड्स, वो दूध से मक्खन को अलग करने के लिए यूज की जाती है। ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, रिवर्स और फॉरवर्ड, इसलिए इसमें टू वे स्विच का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, इसमें हम इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसमें कैपेसिटर के कनेक्शन करेंगे। इनपुट फेज के लिए हमने दो वायर ली है, जिसमें से इनपुट जो न्यूट्रल वाली वायर है उसको हम वन वे स्विच के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, ये वाले, क्योंकि ये इधर हमने कॉमन वायर कनेक्ट किया है, तो इसी के साथ इसको न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट करेंगे इसमें। और इनपुट फेज वाली जो वायर है फ्रेंड्स, उसको हम टू वे स्विच के सेंटर के टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, यानी कि बीच वाले टर्मिनल में, ये यहां पे। ये हमने इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट कर ली है, और अब हम इसमें कैपेसिटर के कनेक्शन कर लेते हैं। ये वाले कैपेसिटर की दो वायर है, एक वायर को हम कैपेसिटर की टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जो कि वाइंडिंग से ब्लैक कलर की वायर आई है उसके साथ में, और कैपेसिटर की दूसरी वायर को फ्रेंड्स टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जो कि वाइंडिंग से रेड कलर की वायर आई हुई है, उसी के साथ ये कनेक्ट हो जाएगी। ये फ्रेंड्स हमने मंदानी की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। मंदानी जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है फ्रेंड्स, रिवर्स और फॉरवर्ड। जब हम उसको दूध में
चालू करते हैं मक्खन निकालने के लिए यानी कि घी को अलग करने के लिए, तो पहले हम उसको फॉरवर्ड घुमाते हैं और फिर टू वे स्विच की मदद से इसको रिवर्स घुमाते हैं यानी कि दोनों साइड में, और ये जो वन वे स्विच होता है इसमें ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। और अब हम इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं कि हमारे मदानी के जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके लिए इसमें हम इनपुट पावर कनेक्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मदानी पे पावर कनेक्ट कर दिया है और अब हम इसको वन वे स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ हमको दिखाई देगी फ्रेंड्स मोटर चलते हुए, तो ये देखिए ये अभी एक डायरेक्शन में चल रही है, वन वे स्विच हमने ऑन किया है। और अभी फ्रेंड्स अगर हम इसको डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये जो टू वे स्विच है इसको हम पहले वन वे स्विच को ऑफ कर लेंगे, यहाँ से इसको पावर ऑफ करेंगे और ये जो स्विच है टू वे स्विच इसको ऑन कर देंगे। और अब अगर हम इसको ऑन करते हैं तो ये रिवर्स चलने लग जाएगी, ये देखिए अब ये रिवर्स घूमना शुरू होगी फ्रेंड्स। तो ये थे फ्रेंड्स मंदानी के कनेक्शन वायरिंग। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। और जैसे ही हम इसको और इसको रनिंग में भी हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अभी ये चल रही है तो इसको ये जो स्विच है इसको दबाएंगे तो ये देखिए ये डायरेक्शन अभी इसकी चेंज हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।